सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, अगर आप भी इस तरीके का बर्थडे स्टेटस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, इस तरीके का बर्थडे स्टेटस वीडियो है, आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे इसी तरह ट्रेंडिंग और लेटेस्ट टाइटल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको जो सभी मेडल होता है, फोटोज़, वीडियो, सॉन्ग, बिटमार्क, सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सिंपल से आपको लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर आप अपने मोबाइल डेटा यूज़ करके क्लिक करना, नहीं तो कभी कभी वाईफाई से प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे एक एक्सएमएल मिलेगा, आपको सिंपल से एक्सएमएल को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद टी-शर्ट पे क्लिक करके अलर्ट मशीन पे शेयर कर देना है, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट हो जाने के बाद आपको जो अलर्ट मशीन ओपन करना है, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सब कुछ ऑलरेडी ऐड करके रखा है। आपको यहाँ पे बस फोटोज़ ऐड करना है, और कैसे ऐड करते हैं सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, एरो पे क्लिक करके फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाना है, ठीक है। फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे डबल लेयर दिखाई दे रहा है, सिंपल से आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है। इमेज कैसे ऐड करते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इस तरीके से आपको लेयर पे क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको ओके पे क्लिक कर देना है, कलर एंड फिल पे जाना है, आपको मीडिया नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है, राइट पे स्टार दिखाई दे रहा है, आपको स्टार पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके से जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, और आप पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, नहीं तो आप कुछ को प्रॉब्लम होगा तो आप बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। फिर से आपने जो यहाँ पे इमेज ऐड किया, फिर से सेम इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है नीचे वाले लेयर पे। ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम इमेज आपको फिर से ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस पे क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंगल लेयर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे डबल लेयर यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको 7 सेकंड के आगे जितना भी यहाँ पे लेयर दिखाई दे रहा है आपको सेम फोटोज ऐड करना है। यही सेम फोटोज आपको यहाँ पे इन लेयरों पे आपको ऐड करना है। ये डबल लेयर जो दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको दूसरा फोटोज ऐड करना है, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार पे क्लिक करना है, अभी जो आपने इमेज ऐड किया था सेम फोटोज आपको यहाँ पे ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट लेयर पे जाना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करके सेम इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट लेयर पे जाना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम फोटोज आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तब देख सकते हैं आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे एक इमेज ही आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं डबल लेयर आ गया, उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोज चेंज करना है, ठीक है। ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, अभी आपको दूसरा फोटो ऐड करना है। इस तरीके से आपको दूसरा फोटो ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। और यही सेम फोटो आपको नेक्स्ट डबल लेयर तक इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। नेक्स्ट डबल लेयर आपको यहाँ पे दिखाई देगा 10 सेकंड तक, 10 सेकंड के पहले जितना भी लेयर है सबको आपको ये वाला सेम जो इमेज है इसको ऐड करना है। डबल लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, करंट फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये सेम फोटो आपको ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, करंट फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। सेम फोटो नेक्स्ट डबल लेयर तक आपको ऐड करना है, ओके पे क्लिक करना है, करंट फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम पे आपको सभी मटेरियल ईजिली मिल जाता है, ठीक है। सभी फोटोज़ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब देख सकते हैं नेक्स्ट डबल लेयर तक हमने यहाँ पे फोटोज़ चेंज कर लिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट डबल लेयर पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे और एक डबल लेयर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे इस डबल लेयर से मतलब 10 सेकंड से सेम फोटो ऐड होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं फर्स्ट डबल लेयर से नेक्स्ट डबल लेयर तक सेम फोटो, इस डबल लेयर से नेक्स्ट डबल लेयर तक सेम फोटो, अब यहाँ से सेम फोटोज ऐड होगा, ठीक है। लेयर पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इमेज ऐड कर लेना है, प्लस पे क्लिक करना है, नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। इस तरह नेक्स्ट डबल लेयर तक आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है। एक लाइक ज़रूर करना वीडियो, अगर अभी तक आप देख रहे हैं अच्छे से अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सिंपल से इमेज ऐड कर लेना है। तब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डबल लेयर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे इन डबल लेयर से आपको यहाँ पे बाकी जितना भी लेयर है सेम फोटोज आपको ऐड करना है। तो देख सकते हैं हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कभी जो सॉन्ग है वो कभी कभी मीट हो जाता है, ये सॉन्ग आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए राइट पे कॉर्नर पर क्लिक करना है, हाई रिजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना।